तो गाइस आज 9 फेब और मैं जा रहा हूँ अपना ड्राइविंग टेस्ट देने, देखते पास होते या फेल। बिकॉज़ व्हाट्स अप एवरीबॉडी, तो फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए हर टीनेजर वेट करता था। जैसे 14-15 साल की उम्र हम क्रॉस करते हैं, वैसे 18 साल कब होंगे कब ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे उसका हम वेट करते। बट भैया तुम्हारे भाई को लग गई 20 साल की उम्र, तब जाके देने वाला। फिर हमें ऐसी जानकारी दी गई थी कि पहले जो पुराना एड्रेस पे मेरे था वहीं पर जाके मैं टेस्ट दे सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। अभी ऐसा रूल है कि आप कौन सी भी नज़दीकी RTO में जाके टेस्ट दे सकते हो। तो आज का जो ब्लॉग बना रहा है उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि आप मैं जानता हूँ वैसे बहुत से लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे हाउ टू गिव ड्राइविंग टेस्ट, फॉर्म कैसे भरते, उसकी 50 वीडियो आप देख लोगे कैसे फॉर्म भरना है, कौन सा ब्लड आउट लेके जाना है। उसके बाद भी एक वीडियो में आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी जो मैं आपको देने वाला हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। या देखो सबसे पहली बात, अब भी अपना लर्निंग टेस्ट दे दो, बहुत ईजी। एक दो वीडियो देखो जाके दे दो, क्योंकि बहुत ईजी सवाल आएंगे, मतलब कुछ ऐसे सवाल आएंगे। उम्मीद करता हूँ पॉज करके पढ़ लिया हो। अब देखो जिस दिन मैं पहले दिन बाहर टेस्ट देने गया था तो वहाँ पर मैं थोड़ा लेट पहुँचा था, इसलिए पहुँचा था क्योंकि तुम्हारे भाई ने फॉर्म पे एड्रेस देखा नहीं था, मतलब कि पढ़ा नहीं था। अब मैंने सोच लिया भाई पनवेल RTO में जाना, एक ही RTO होगा, बट RTO पे जाके पता चला Stop it. Get some help. कि कहीं और के RTO में जाके टेस्ट देना है। मतलब वहाँ पर RTO नहीं था, बल्कि उन लोगों ने अलग से थोड़ा एक रास्ता ले लिया था, एक ग्राउंड ले लिया था, वहाँ पर टेस्ट दे रहे थे। तो अब था 3:30-4:30 का टाइम, 4:10 बाकी तब मैं पहुंचा था। बट इंस्पेक्टर ने अपने थैले पैक कर लिए 4 बजे और निकल लिए, आधे घंटे मतलब करीबन 40 मिनट्स का टाइम था, और फिर भी उन्होंने टेस्ट लेने से मना कर दिया। इसलिए ड्राइविंग टेस्ट वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। तो 23 फेब को फिर से मैंने रिशेड्यूल किया, तो टेस्ट देने के लिए आया था, बाइक का जुगाड़ कर लिया था, बट मुझे लगा फेल हुआ बाइक में। अब कार का देना बाकी है, टाइम हो चुका है, देखते अभी दे पाती कि नहीं। मेरे को पूरी ज़िंदगी में फेलियर ही लिखा हुआ है, फिर से आना पड़ेगा तीसरी बार। दोनों में फेल है? हाँ भाई, दोनों में फेल हुआ तुम्हारा भाई, दोनों में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई हो गया था पैनिक। अब पैनिक होने का रीज़न होता है पेपर वर्क्स। जी हाँ, आपको RTO में बोला जाता है कि आधे घंटे पहले। अब क्यों? क्योंकि उन्हें और 4 पेपर्स आपसे मंगाने होते, जो कि आपको ऑनलाइन ना ही तो लिखा हुआ मिलेगा, ना ही तो आपको किसी यूट्यूब की वीडियो में ही पता चलेगा। अब वो पेपर्स कौन से थे मैं अभी आपको बता दूँ, ये सुन लेना ताकि आपको फिर बार बार धक्के खा लेना पड़े, आप पैनिक होकर फेल ना हो। मैं पैनिक होकर फेल हो गया था, और इस कदर तक फिर मैं पैनिक हुआ था कि खाड़ी चलाते वक्त तुम्हारे भाई ने हैंड ब्रेक नहीं उतारा था, मतलब यू टर्न लेते वक्त मैंने हैंड ब्रेक चढ़ा दिया था, और मैं यहाँ पर ही बस पर डाले जा रहा हूँ, जा नहीं रहा। 5 मिनट मेरा भाई आता है और देखता है कि मैंने हैंड ब्रेक नहीं हटाया, मतलब समझ जा फिर पास होना तो दूर की बात। तो अब ये कुछ पेपर्स ध्यान से सुन लो, लेके जाना क्लियर, वरना आपका वहाँ पर वक्त बर्बाद होगा, फालतू का टेंशन होगा। पेपर्स ये है कि आपको गाड़ी के पेपर्स लेके जाने, गाड़ी का RC PUC और इंश्योरेंस। PUC क्यों निकालते हैं? PUC लेके जाना है, मतलब कि इसके जेरोक्स लेके जाना है, ओरिजिनल मत लेके जाना। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड पैन कार्ड होगा तो ठीक है, बट उसके साथ आपको लाइट बिल भी देना पड़ेगा। अब वहाँ पर चीज़ ये थी कि वहाँ पर कुछ बंदे वो चीज़ मांग रहे थे और कुछ बंदे वो चीज़ नहीं मांग रहे थे, मतलब वहाँ पर आपस में कन्फ्यूजन था। और फिर तो आज 13 मार्च 14 मार्च कल अपनी टेस्ट ड्राइविंग की, यहाँ पर मैं आया हूँ बाइक को लास्ट बार प्रैक्टिस करने के लिए। देखो यार, जब भी तुम बाइक की प्रैक्टिस करो या कार की प्रैक्टिस करो, सबसे ज़्यादा आपको यही चीज़ प्रैक्टिस करनी है कि आप स्लो स्पीड में उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो। आप जब 8 बनाओगे या कार का टेस्ट दोगे, आपको स्लो स्पीड पे ही चलाना है, फर्स्ट गियर पे ही चलाना है। तो 0 से लेकर 10 की स्पीड में बाइक कंट्रोल करने की कोशिश करना, 80-90 की स्पीड पे इजीली सीधे रोड पे भगाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बाइक को स्लोली कंट्रोल करना, उसको टर्न लेना, यही मेन चीज़ होती है एज अ बिगिनर, जो कि मुझे नहीं जम रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने गया था। तो यही मैं आपको गाइड करूँगा, जो एक्सपीरियंस उसको अपने साथ ले चलो, और उसको बोलो कि भाई कब क्लच दबाना है, कब थोड़ा एक्सीलरेशन देना है, वो थोड़ा आपको गाइड करे ताकि आप इजीली पास हो जाओ। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस 1-2 दिन का प्रैक्टिस करना हो जाएगा। और हम जाते थर्ड टाइम टेस्ट देने। तो आज 14 मार्च टेस्ट देने आया हूँ, हेलमेट किसी का उठा के लाया हूँ, पता नहीं किसका। पेपर्स वर्क हो चुका है, और बाइक और कार टेस्ट देना है, देखते अभी निकल जाते कि नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में लोग फील कर रहे हैं। और गाइस 8 मनाते वक्त इंडिकेटर देना था, 8 मनाते वक्त उसमें भी लोगों को फेल कर रहे थे। लाइक मतलब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, उसको तो हम 8 बनाने में आप बोल रहे हो कि इंडिकेटर दे, और इंडिकेटर ना दे तो उसको रीटेस्ट के लिए 300-400 रुपया देना भाई बहुत भारी होता है। पता नहीं ये क्या लॉजिक के साथ 8 में इंडिकेटर मांगते। सीधे सीधे पूछ लो ना भाई, राइट के लिए कौन सा इंडिकेटर देना है, लेफ्ट के लिए कौन सा इंडिकेटर, बंदा बता देगा। बट बनाते वक्त क्यों किस लिए 8 बनाते वक्त? तो फिलहाल घर आ चुका हूँ, और भाई इतनी खुशी कि मैं क्या ही बताऊँ भाई, 3 बार जाना पड़ा। हाँ भाई, अब फाइनली हम पास हो गए थे। बट जब तीसरी बार भी टेस्ट देने गए तो एक इंस्पेक्टर उस तरफ भेजा, दूसरा इंस्पेक्टर इस तरफ होता है, बोलते मैं टेस्ट नहीं लूंगा, होते मैं टेस्ट नहीं लूंगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे मेरे को नहीं रे,
या दो गरीबों को उठा ले। ट्रेंड में दोनों में से एक इंस्पेक्टर मान जाते और वो टेस्ट ले लेते। आज 11 अप्रैल और फाइनली अपना परमानेंट लाइसेंस आ गया है। और यार जब मैं मतलब यूट्यूबर्स को देखता हूँ लाइक MSK, मुंबई का निखिल, अपने GS भाई, जट भाई और भी ना जाने कितने ट्रैवल यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं देखता हूँ लाइक वो राइड मारते पेंगोंग ये वगैरह, तो जब ये परमानेंट लाइसेंस हाथ में आया ना तो लिटरली वो चीज़ आँखों के सामने आ रही थी। क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से इतने व्लॉग्स देखे इतना कंटेंट कंज्यूम किया क्या ही बताऊँ मैं। सो यार समडे हम भी शायद होप सो। मैं भी आपको पहली बार देखने वाला हूँ, मैं फोटो नहीं दिखाऊंगा अगर अच्छा नहीं देगा तो। यस भी लाइसेंस आया इतने से पोस्ट के अंदर। डूड द लाइसेंस फाइनली। सो या बस एक छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश की है जिसमें थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी था और उम्मीद करता आपको ये थोड़ा बहुत अच्छा लगा। एंड हाँ ऑल द बेस्ट फॉर ड्राइविंग टेस्ट एंड ऑल द बेस्ट मुझे बोल लो ताकि अपने भी लॉन्ग राइड्स थोड़े चालू हो जाए। So yeah, that's it. See you guys on the upcoming videos. कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस ऑलरेडी है। देखो जितने भी नए व्यूज़ एक चीज़ में बता देना चाहता हूँ, मैं कंटेंट को पहले जमा करता हूँ फिर उसको डालता हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कि आज कुछ उठ के और डाल दिया, मतलब डेली व्लॉगर नहीं है अपना ऐसे 10-15 दिन का एक साथ होता है, एक महीने का एक साथ होता है फिर मैं उसको डालता हूँ। सो या स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड एज यूजुअल अगर आप लोगों को फिटनेस में इंटरेस्ट है तो लेफ्ट वाली वीडियो भी क्लिक कीजिए, और आपको मेरी वन ऑफ द बेस्ट एडिटेड वीडियो को देखना है तो राइट साइड वीडियो भी क्लिक कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ।